हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल डॉक्टर शबीना। सो गाइस, आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे जो आप यूपीटी टेस्ट करती हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनियो से चेक करती हैं या फिर बहुत से किट्स होते हैं उससे चेक करने के बाद अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में एक डार्क लाइन हो और एक हल्की लाइन हो तो इसका क्या मतलब होता है। तो गाइस, आज आपके सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, हल्की लाइन आने का क्या मतलब होता है, डार्क लाइन आने का क्या मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है कि हल्की लाइन आके फिर कुछ दिन बाद नेगेटिव यूपीटी हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में कुछ भी सिर्फ एक सिंगल लाइन ही शो करता है, तो ये सब जितने भी आपके क्वेरीज हैं आज मैं इस वीडियो में सारा कवर अप करूँगी। गाइस, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट में कितनी लाइन आती हैं। एक तो सिंगल लाइन आती है जिसको कंट्रोल लाइन कहा जाता है। सिंगल लाइन मीन्स होता है कि प्रेगनेंसी नेगेटिव है। सेकंड क्या होता है, दो लाइन आती है, दो डार्क लाइंस आती है, इट मीन्स आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। थर्ड क्या होता है, एक लाइन डार्क होती है और एक हल्की लाइन होती है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी हल्की लाइन है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी महिलाओं को ख्वाहिश रहती है कि पीरियड मिस होने से पहले ही वो जान जाएं कि हमको प्रेगनेंसी हुआ है, वो कंसीव की हैं कि नहीं कंसीव की हैं, तो एंग्जाइटी उनको बहुत ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जब बहुत ज़्यादा रहती है महिलाओं को तो वो पीरियड मिस होने से पहले ही चेक कर लेती है, जिसकी वजह से उनका प्रेगनेंसी टेस्ट में एक हल्की सी लाइन आती है। हल्की लाइन गाइस इसलिए आती है क्योंकि जैसे ही कंसीव हुआ बच्चा, ठीक है, यूट्रस में जैसे ही इम्प्लांटेशन होना शुरू हुआ, उस समय जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो हल्का ही हार्मोन रिलीज़ होता है, थोड़ा ही हार्मोन रिलीज़ होता है, और वो हार्मोन का क्या नाम है, बीटा एसजी हार्मोन। जब बीटा एसजी हार्मोन का लेवल कम हुआ, स्टार्ट हुआ सिक्रीट होना ही, वो ब्लड में भी सिक्रीट होता है और वो यूरिन में भी सिक्रीट होता है। जैसे ही स्टार्ट हुआ, आप यूपीटी टेस्ट कर ली, प्रेगनेंसी टेस्ट कर ली, तो उसमें हल्की सी लाइन आ गई, इट मीन्स कि जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा अभी सिक्रीट होना नहीं स्टार्ट हुआ है। अगर आप यही टेस्ट, आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर ये हल्की लाइन आती है, अगर यही टेस्ट आप 3 से 4 दिन के गैप करके फिर से टेस्ट करेंगी तो वो लाइन दो डार्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स आपका जो हार्मोन लेवल कम था स्टार्टिंग में वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आपके बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है महिलाओं का, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि पीरियड मिस होने के बाद मैं चेक की हूँ तो उसके बाद भी हल्की लाइन आ रही है, एक डार्क आ रही है, एक हल्की लाइन होती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसे इसलिए होता है कि जब आपका पीरियड मिस हुआ, ठीक है, आपको अगर आपका इरेगुलर पीरियड है, ठीक है, इरेगुलर पीरियड है या फिर आपको पीसीओडी हो, तो इस सब केस में अगर पीरियड्स आपके इरेगुलर है तो आपका ओवुलेशन टाइम भी डिफर होगा, ठीक है, यानी ओवुलेशन टाइम जब एग रिलीज होता है वो टाइम आपका डिफरेंस होगा, तो उस टाइम आप कब कंसीव करी ये कैलकुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लेट में कंसीव होती है। तो इट मीन्स अगर आप लास्ट में प्रेगनेंट, मान लीजिए कि आपका पहले महीने फर्स्ट को पीरियड आया, ठीक है, उसके बाद आप रिलेशन बनाई, रिलेशन बनाने के बाद जब फर्स्ट डेट आया नेक्स्ट मंथ में, तो उसके 2-3 दिन बाद ही आप चेक कर ले रही हैं तो उसमें हल्की लाइन आ रही है। इसका मतलब कि अगर आपका पीरियड 25 से 30 डेज़ की साइकिल है तो वो तो फिर नॉर्मली आपका मिस पीरियड हुआ, चेक किए डबल डार्क लाइन आ गई, तो इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म है। मगर अगर आपकी साइकिल 30 to 35 डेज़ की साइकिल है और उसके बाद अगर आप पीरियड मिस करने के बाद चेक कर रही हैं, तो इट मीन्स आप जब चेक की हैं, आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किए हैं, तो ओवुलेशन आपका लेट में हुआ है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लेट में ठहरी है और इस वजह से आप जब चेक की हैं मिस पीरियड के बाद तो वो लाइन हल्की सी आई है। तो इसमें भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें भी आप कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद रिपीट टेस्ट करेंगे तो आपकी लाइन डबल डार्क हो जाएगी। नेक्स्ट किस केस में आता है हल्की लाइन। नेक्स्ट गाइज, अगर बच्चा
यूट्रस में ना इम्प्लांट होके बच्चेदानी में ना ग्रोथ करके बच्चेदानी के बाहर यानी फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उस केस में बीटा एसीजी का हार्मोन कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो उसमें हल्की लाइन पॉजिटिव आती है। नेक्स्ट, किस केस में लाइन आपकी हल्की आएगी? मिस्ड एबॉर्शन में। मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है, अच्छे से ग्रोथ कर रही है, बट एक कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है आपको जो नहीं पता है, उसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। बच्चे का ग्रोथ नहीं होने की वजह से बीटा एसीजी हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है वो उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, ब्लड में और यूरिन दोनों में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है जब आप यूपीटी टेस्ट करेंगी, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, तो लाइन हल्की आएगी, ना कि वो डार्क में होगी। फिर 3-4 दिन बाद अगर आप फिर से चेक करेंगी तो भी फिर ये हल्की ही लाइन होगी, क्योंकि इसमें फीटस अंदर ही अंदर आईयूडी हो गया उसका, यानी उसकी डेथ हो गई है, वो अंदर ही एबॉर्ट हो चुका है। और इसमें आपको क्योंकि ब्लीडिंग नहीं आई तो इस केस में आपको पता नहीं चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही है कि नहीं। तो इस केस में गाइस आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही आपको कन्फर्म होगा कि आपका बच्चा सही है कि नहीं सही है, और इस वजह से आपकी लाइन हल्की आई है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी टेस्ट कभी कभी हल्की लाइन आ जाती है उसमें भी। केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? केमिकल प्रेगनेंसी ये होती है कि जब भी आप टेस्ट की हल्की लाइन आए उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कभी हल्की स्पॉटिंग होती है, कभी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद फिर वो लाइन नहीं दिख रही है। फिर से आप प्रेगनेंसी टेस्ट की तो जो हल्की लाइन पहले थी वो भी नहीं दिख रही है, सिर्फ एक सिंगल लाइन ही दिख रही है। तो गाइज इसको कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी, कि एक ग्रोथ तो हुई, प्रेगनेंसी तो कंसीव की, आप बीटा एसीजी का लेवल उसमें हल्का सा बढ़ा, तो जो बीटा एसीजी का लेवल हल्का सा बढ़ा था वही जब आप चेक की थी प्रेगनेंसी टेस्ट तो ही उसमें हल्की सी लाइन आई थी, मगर क्योंकि आपको ब्लीडिंग हो गई तो ब्लीडिंग होने के बाद बीटा एसीजी का लेवल कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए जब आप नेक्स्ट यूपीटी टेस्ट की हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट की हैं, तो उसमें लाइन ख़त्म हो गई है। तो गाइज इसमें हम लोग जब अल्ट्रासाउंड भी करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में भी इसमें कुछ शो नहीं करता है, बस जब आपका बीटा एसीजी का हल्का सा हार्मोन बढ़ा होगा उस टाइम अगर आप चेक करेंगी तो उस टाइम हल्की सी लाइन आती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया इवापोरेशन लाइन। इवापोरेशन लाइन क्या होता है गाइस? जब भी हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट लाते हैं तो उस स्लिप पे, उस रैपर पे एक लिमिटेड टाइम लिखा रहता है कि विद इन 3 मिनट, विद इन 5 मिनट आप चेक करके इसको फेंक दीजिए, मगर कभी कभी हम लोग उसको रखे रहते हैं इस आशा में कि शायद थोड़ी देर बाद एक पॉजिटिव लाइन और दिखा दें, थोड़ी लाइन डार्क हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, या फिर कभी हम लोग रख के भूल जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है गाइस, एक हल्की सी लाइन उसमें आ जाती है। अगर आप 5-10 मिनट से ज़्यादा उसको रखती हैं, 3-3, 4-4 घंटा रखती हैं, या फिर 24 घंटे के लिए बहुत सी महिलाएं रख देती, तो उस केस में एक हल्की सी लाइन आ जाती है, जिससे महिला ये समझती हैं कि मैं कंसीव कर चुकी हैं। तो ये गाइस इसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशन लाइन, वो हल्की सी आती है मगर वो फिर 1-2 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये इवापोरेशन लाइन होता है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता है इसमें। अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में एग्जैक्टली जानना है तो बीटा एसीजी हार्मोन आप टेस्ट करा के देख सकती हैं, विद इन 48 आवर्स में आप 2 बार हार्मोन चेक कराइए बीटा एसीजी का। अगर 2 से लेवल कम है तो इसका मीन्स आप प्रेग्नेंट नहीं है, अगर 2 से लेवल बढ़ रहा है आपका, मीन्स 50, 100, 1000 उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी आप कंसीव की हैं। कुछ कैंसर्स में बीटा एसीजी का हार्मोन बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे भी उसमें हल्की लाइन शो होती है। और गाइस कुछ इनफर्टिलिटी का जब ट्रीटमेंट चलता है तो बहुत सी महिलाओं में बीटा एसीजी हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो जब इनफर्टिलिटी का केस होता है, जो महिला नहीं कंसीव कर पाती हैं, तो उस केस में हम लोग बीटा एसीजी का इंजेक्शंस देते हैं। तो बीटा एसीजी के इंजेक्शंस देने के बाद भी कभी कभी यूपीटी टेस्ट में पॉजिटिव दिखाता है, क्योंकि एसीजी हार्मोन से ही, एसीजी हार्मोन का लेवल जब आपका बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी टेस्ट में
दो लाइन दिखेगी, बट वही दो लाइन अगर डार्क दिखेगी तो इट मीन्स ये आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है। मगर अगर ईसीजी का इंजेक्शन देने के बाद अगर हल्की लाइन आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको कंफर्म करने के लिए इसमें आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है। गाइज ये था आज का टॉपिक कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे एक हल्की लाइन है तो उससे आपको क्या क्या अंदाज़ा मिल सकता है कि इससे क्या क्या आप कंसीव किए हैं कि नहीं कंसीव किए हैं। अगर इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट हो या फिर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकती हैं। मेरा ऑनलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस पर आप कंसल्ट कर सकती हैं और मेरे असिस्टेंट से बात करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकती हैं।